हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ उसके पहले एक बार मैं बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस अपन इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि लास्ट ईयर में क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं। पहली बात तो ये, अगर आपको ये पता होगा कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं और कैसे आरपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या वो आपके पोइट के बारे में पूछ रहा है या ओनली पोइम्स के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपको ये बात पता है कि जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें आयोग ने, आरपीएससी ने सीधा पोइम से क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। और अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही पेशेंसली सॉल्व कर रहे हैं तो नो डाउट आपको ये अंदाजा हो जाया करता है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे और उनको अपने को कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हुम डज शेली एड्रेसेस एज अ वाइड स्प्रिट, कवि किसको संबोधित करते हैं एज अ वाइड स्प्रिट। ऑप्शंस आर द ग्रीशियन अर्न, द वेस्ट विंड, द स्प्रिंग सीजन एंड द ऑटम मंथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द वेस्ट विंड। जी हाँ, इस कविता में शेली जो है वेस्ट विंड को वाइड स्प्रिट कहकर संबोधित कर रहे हैं। आपकी जो कविता है ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि लिखी गई है पी बी शेली के द्वारा, और ये क्वेश्चन आपके आया है 2012 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन द पोइम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्ज मीन। डर्ज का मतलब पूछ रहा है ये। ऑप्शंस आर अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, ऑप्शन बी है अर्ज टू डू समथिंग। तो दोनों ही ऑप्शन में से अपन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर अपन और ऑप्शन पे जाएंगे तो आई थिंक टाइम जाया करना ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन। जी हाँ, आपकी जो कविता है ओड टू द वेस्ट विंड, इसमें यहाँ डर्ज का अर्थ किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। जो ईयर्स समाप्त हो गया है या मर गया है, और वेस्ट विंड का शोर वर्ष की मृत्यु पर गाया गया शोक गीत माना है कवि ने। अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्ज मीन। तो डर्ज इज इक्वल टू अ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम डिड द वेस्ट विंड अवेकन, किसको जगाती है वेस्ट विंड। ऑप्शंस आर द फियर्स मैनेज एंड ऑप्शन बी है द ब्लू मेडिटेरियन सी। यहाँ पे सी भी ऐड कर लो आप, दोनों ही ऑप्शन अपन देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ये है बी, द ब्लू मेडिटेरियन सी। जी हाँ, जब वेस्ट विंड चलती है तो सर्दी में जमा हुआ मेडिटेरियन सी अपनी नींद से जाग जाता है, यानी समुद्र पुनः जहाज रानी शुरू, यानी सी में जहाज रानी शुरू हो जाती है दोबारा से। तो आपको ये ध्यान रखना है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए कि हुम डिड द वेस्ट विंड अवेकन, वेस्ट विंड अवेकन टू द ब्लू मेडिटेरियन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेली प्रेज़ टू द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम, एंड ऑप्शन है एज अ वेव, एज अ लीफ एंड अ क्लाउड, एज अ ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जो आपका एज अ वेव, एज अ लीफ एंड अ क्लाउड। जी हाँ, इस कविता में शेली वेस्ट विंड से प्रार्थना करता है कि वह उसे प्रेरित कर दे, जैसे वह लहर को, पत्ते को और बादल को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, उसी तरह वह कवि के विचारों को लोगों तक ले जावे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है ए, शेली प्रेज टू द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अभी तक 2012 के ही अपन ने देखे हैं। अभी तक अपन ने चार क्वेश्चन देख लिए हैं और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस 2012 के अभी तक अपन ने देख लिए हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन मीन्स। इस लाइन का मीन क्या है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड।
तो ऑप्शन है देर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी, एंड ऑप्शन बी है विंटर विल फॉलोड बाय स्प्रिंग। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बड़े कॉम्पैक्ट इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन तो चार थे लेकिन मैंने उन दोनों को काट कर ओनली दो को ही यहाँ पर रखा है, जो कि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाले हैं। तो देर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी, आरपीएससी आयोग ने ये वाला जिसका आंसर है वो सही माना है अकॉर्डिंग टू पोइम। जी हाँ, इस पंक्ति का अर्थ है दुखों के बाद सुख आते हैं, या मैं कहूँ अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, या और आगे बढ़े तो निराशा के बाद ही आशा आती है। तो पोइम के सेंस में अगर हम बात करें तो देर इज अ सिल्वर लाइन बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी, और लाइन का मीन है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर इसको अपन विदाउट पोइम इसका अगर सेंस अपन देखते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विंटर विल बी फॉलोड बाय स्प्रिंग, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर ये 4 महीने माने गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोइम। ठीक है, ये भी 2012 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, 2012। अभी तक अपन ने 5 क्वेश्चन 2012 में देख लिए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है इन हिज बॉयहुड डेज शेली वुड ट्राई टू, बॉयहुड डेज में शेली क्या किया करता था? आउट स्ट्रिप द स्काई, स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड, या बी वाइड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। जी हाँ, शेली अपने बॉयहुड में इतना साहसी था कि वह आकाश में वेस्ट विंड की तेज गति से भी आगे निकल सकता था। आउट स्ट्रिप द स्काई, स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड, इन हिज बॉयहुड डेज शेली वुड ट्राई टू आउट स्ट्रिप द स्काई, स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड। आपको ध्यान रखना है, अपन ये ओल्ड क्वेश्चंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो इसलिए मिलता है, ओल्ड क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और अभी तक कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि सारे ही क्वेश्चंस जो कि पोइम से ही संबंधित आ रहे हैं, तो अगर आप 10-15 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया करते हैं तो आपका अप्रोक्स 70% पोइम्स पोइम का जो है वो वहीं पर क्लियर हो जाया करता है। डेट्स वाई वी आर गोइंग थ्रू। तो यहाँ पर 2012 का ही ये क्वेश्चन है। आपको 2012 में अभी तक अपन ने 6 क्वेश्चंस देख लिए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 2012 में वेस्ट विंड से ही पूछे गए हैं, और टू द वेस्ट विंड से ही पूछे गए हैं 2012 में। जी हाँ, इज इक्वल टू 12 नंबर, यानी 12 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने 2012 में पूछे हैं। देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इमेज डेट शेली विजुलाइजेस इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ। शेली ने अपनी पोइम में जो पहली इमेज विजुलाइज की है वो किसकी है? ऑप्शंस है एन एनसेंटर, एंड ऑप्शन बी है अफेयर्स मैनेज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एन एनसेंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपके शेली सबसे पहले वेस्ट विंड की कल्पना एक जादूगर के रूप में करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले इसने कौन सी इमेज को विजुलाइज किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है वॉट डज शेली आस्क द वेस्ट विंड टू डू बाई द इनकेंटेशन ऑफ हिज वर्ड्स। ऑप्शन है बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, और ऑप्शन सी है, और सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा ना, तो अनचेन हिम फ्रॉम द बाउंड ऑफ टाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी। जी हाँ, शेली वेस्ट विंड से प्रार्थना करता है कि वो उसके विचारों की भविष्यवाणी को शेयर करे। ठीक है, तो शेली ने इस वाली कविता में कहा है कि बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऊपर अपन ने देखा, ये भी 2014 का ही क्वेश्चन अपन ने देखा था ऊपर भी। तो 2 क्वेश्चन तो अभी तक अपन ने 2014 के देख लिए हैं, और 6 क्वेश्चंस अपन ने 2012 के देख लिए हैं, और उनके आंसर भी अपन ने सोल्व कर लिए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू शेली द वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ, वेस्ट विंड को किसकी ब्रीथ कहा गया है? ऑप्शन है ऑटम और स्प्रिंग, करेक्ट आंसर विल बी ऑटम। जी हाँ, शेली के अकॉर्डिंग वेस्ट विंड का उद्भव ऑटम सीजन के श्वास के रूप में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 2012
2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक आपने देख लिया 2014 के 3 क्वेश्चन, 2012 के 6 क्वेश्चन, ठीक है, और आगे हम देख रहे हैं 2016 के आने वाले क्वेश्चंस को। हाउ डज शेली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड? शेली कैसे खुद को कंपेयर करते हैं वेस्ट विंड के साथ? ऑप्शन ए है ए स्टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, एंड ऑप्शन बी है ए सैंड एंड बोर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जी हाँ, शेली जो है वो कंपेयर करते हैं खुद को एज अ टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। यू यू कैन सी द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द फोर्थ स्टेंजा, उसमें साफ लिखा गया था अ हैवी वेट ऑफ आर्स हैड सैंड एंड बोर्ड वन टू लाइक द टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। इट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, हाउ डज शेली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड एज स्टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड? आपको ध्यान रखना है, 2016 में ये आपसे पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड शेली इनवोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज। शेली शेली वेस्ट विंड को उसका क्या बनाना चाहता है? ऑप्शन ए इज लेयर एंड ऑप्शन बी इज प्रोपेसी। दोनों ही बड़े कॉम्पैक्ट ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा सी द फर्स्ट लाइन ऑफ द फिफ्थ स्टेंजा। उसमें साफ लिखा गया है कि मेक मी दाय लेयर इवन एज द फॉरेस्ट इज। यहाँ पर वीना लेयर यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड शेली इनवॉक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज लेयर। ठीक है, 2016 में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ ड्राइवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एनसेंटर फ्लिंग हु आर व्हाट इज ड्राइवन लाइक गोस्ट इन शेलीज ओड टू द वेस्ट विंड? ऑप्शन आर अ क्लाउड एंड ऑप्शन बी है अ डेड लीव्स। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका सॉरी द डेड लीव्स। जी हाँ, वेन द वेस्ट विंड ब्लोज ऑन अर्थ द डेड लीव्स आर ड्राइवन बाय इट। और मैं आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। आर ड्राइवन लाइक गोस्ट फ्रॉम द एन सेंटर फ्लिंग हु और वॉट इज ड्राइवन लाइक गोस्ट इन सेलीज ओ टू द वेस्ट विंड? जी हाँ, द डेड लीव्स जो है आपका वो ड्राइवन होती है किसके द्वारा? वेस्ट विंड के द्वारा। व्हेन द वेस्ट विंड ब्लोज ऑन अर्थ द डेड लीव्स आर ड्राइवन बाय इट। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने देखे हैं 2012 के 6 क्वेश्चन, 2014 के 3 क्वेश्चन एंड 2012 के भी 3 क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन अभी तक अपन ने देख लिए हैं। अभी तक 12 ही क्वेश्चंस आयोग ने इस पोइम के द्वारा पूछे गए हैं। 2012 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं 6 क्वेश्चन। अब आपके एग्जाम है 2019 में, देखते हैं आगे। कुछ कह नहीं सकते कि आगे आने वाले एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन आएंगे 6, क्योंकि आपने देखा है 2012 में क्वेश्चन पूछे हैं 6 और 2 साल तक पूछे हैं क्वेश्चन 3-3। दोस्तों आज के इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं शीघ्र ही नए क्लिप के साथ। जय हिंद, जय भारत।